और जयपुर से खबर है, झोटवाड़ा इलाके में फल सब्जी विक्रेता की हत्या कर दी गई है। बनवारी कुमावत बताया जा रहा है। मृतक का नाम गाड़ी से कुचलकर बनवारी की हत्या का आरोप है। कुछ युवकों के झगड़ने पर बीच बचाव करने गए थे बनवारी। घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। दादी का फाटक के आसपास दुकानें बंद, धरने पर बैठे स्थानीय व्यापारी। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जो फर्स्टली आपको दिखा रहा है किस तरीके से झगड़ा वहां पर हो रहा था, लेकिन जो बीच बचाव करने पहुंचा उसकी ही हत्या कर दी। झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरीके से झगड़ा हो रहा था दो पक्षों में। बनवारी जो कि बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसकी हत्या हो गई। फल सब्जी विक्रेता की हत्या का मामला। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, आप जरा बताइए कि ये जो वारदात सामने आई है, इसमें क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आखिर क्या ये पूरा वाक्या रहा? देखिए, उसे पूरा प्रकरण के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कल शाम की घटना है, कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो बनवारी नाम का युवक जो कि फल सब्जी विक्रेता व्यापारी है, और वो उस झगड़े के बचाव में आया, और इसी के चलते जो पिकअप चालक था उस पिकअप में बैठ कर जब अपनी पिकअप पीछे ली, तो वो बनवारी उस पिकअप के नीचे आ गया, उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को हत्या मामला माना गया है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन घटना के 12 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने के चलते जो स्थानीय निवासी है उसमें काफी आक्रोश है। ऐसे में लोगों ने धरना दे रखा है, और जो दादी का फाटक के मुख्य मार्ग है उसको जाम लगा रखा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी उनकी समझाइश कर रहे हैं, जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ पूरी टीमें आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ युवकों के बीच में जो झगड़ा हुआ, झगड़ने की बात सामने आई, वो किस वजह से हुआ, क्या वो पता चल पाया क्या? देखिए, आपसी किसी बात को लेकर कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ था, और जो बनवारी बीच में आया उसने रोक टोक की, तो पिकअप चालक से पिकअप कराने से वो उसके नीचे आ गया। हालांकि पुलिस का मानना है कि हत्या, यानी कि जो पिकअप चालक है उसके मनशा ये थी कि वो हत्या कर दे या फिर किसी को घर निकाल के ले जाए, लेकिन उसने इन घटनाओं को साबित किया, तो ऐसे में वो आरोपी है, वो हत्या का आरोपी है। जो युवकों में झगड़ा हो रहा था उनको रिटेन कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जिसने पिकअप चलाकर बनवारी की हत्या करी है, वो अभी पुलिस की पहचान हो गई है क्या नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए 3 व्यक्ति खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, पिकअप चालक के खिलाफ और 2 अन्य खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिकअप का नंबर पुलिस को आ चुके हैं, आरोपी का नाम आ चुका है, तो ऐसे माना जा रहा है कि आरोपी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन जाम लगाने से स्थानीय लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है जो लोग वहां धरने में बैठे हैं उनको मुख्य से हटाने की, जिससे की यातायात को सुचारू करवाई जा सके और आरोपियों को गिरफ्तारी की जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन यहां पर व्यापारी वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है। मौके की स्थिति की ये तस्वीरें तो हैं, लेकिन क्या ये तस्वीरें कुछ बदली हैं या फिर इसी तरीके से बनी हुई हैं? क्या लोगों का कहना है इस पूरे मामले पर, जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? लेकिन लोगों को साफ कहना है कि एक बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के इस युवक की हत्या हुई है, तो एक तो उसको मुआवजा दिलाया जाए, साथ साथ उसके परिवार में जो परिवारजन है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उसकी हत्या हुई है और उसका कोई दोष नहीं था। ऐसे में पुलिस के अधिकारी मुकदमे पहुंचे हुए हैं, और लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आपकी जो मांगे हैं वो मांगे ऊपर तक पहुंचा दी गई है। अब सरकार का क्या इसमें रवैया रहता है वो देखने बात होगी, लेकिन फिलहाल कुछ भीड़ कम हुई है, और जो स्थानीय लोग हैं उनसे पुलिस अपील कर कि रास्ता खाली जाए, जिससे कि लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े और यातायात सुचारू किया जा सके। वहीं दूसरी ओर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी पुलिस ने आश्वासन दिया कि जो आरोपी हैं वो तीनों जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और जिससे कि जल्द को न्याय मिल सकता है। सत्यनारायण, मृतक के परिजन क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर? देखिए, मृतक के परिजन का मानना है कि उनके जो मृतक था उसकी कोई गलती नहीं थी, वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं था, वो तो केवल बीच बचाव करने गया था। बीच बचाव करने के चलते उसकी ये आज हत्या हुई, तो ऐसे में वो भी आरोपी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और साथ साथ एक सरकारी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस का अधिकारी मुकदमे पहुंचे हुए हैं, और परिवार से और लोगों की समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और सरकारी रवैया सरकारी जो अधिकारी है उनके पास उनकी मांगे पहुंचा दी गई है, जिसके अगर सरकार उनकी मांगे मानती है तो उनका हक उन्हें लाया जा सकता है।
बिल्कुल सत्यनारायण, और ये जो पूरा मामला है क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ प्रशासन आप बता रहे हैं कि मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हैं, कौन कौन अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए एसीपी जो भरत सुंदर मौजूद है, वो साथ साथ एडिशनल डीसीपी वेस्ट नीरज पाठक मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्तालाप की जा रही है, समाज के लोग हैं उनसे वार्तालाप की जा रही है, और जो परिवारजन हैं उनको भी आश्वासन दिया जा रहा है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो उनकी मांगे हैं वो भी सक्षम अधिकारी तक पहुँचा दी जाएगी। और जो प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और साथ साथ जो जाम लगा रखा है पिछले ढाई घंटे से उस जाम को खुलवाया जाए, क्योंकि जाम लगने की वजह से काफी दूर दूर से जो वाहन जता रहे हैं वो लग चुकी है। तो ऐसे में प्राथमिकता ये रह रही है कि जाम है वो खुलवाया जाए और एक बार फिर से यातायात को सुचारू करवाया जाए, वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। और हत्या में कौन कौन शामिल था सत्यनारायण? जिस तरीके से आप बता रहे एक आरोपी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लोगों पर भी इस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का? तीन व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, एक पिकअप चालक है और दो अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि पुलिस की बात होता है कि जाम खुलवाने के पश्चात जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, पोस्टमार्टम करने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। तो ऐसे में जाम लगने से दोनों तरफ समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारी सक्षम अधिकारी उनके पहुंच चुके हैं और परिजन और लोगों से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में ये चरण जो है फुटमाप हो जाएगा और यातायात सुचारू हो जाएगा। वहीं पुलिस कोशिश कर रही है जो आरोपी है वहां तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चलिए बुलेटिन